गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में रैशनलाइजेशन स्टार्ट करा था और उसके बेसिक्स पढ़े थे भाई। अंडर रूट वाले नंबर्स होते हैं, उनको ऐड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं। जब तक रूट में नंबर सेम नहीं है तब तक वो ऐड और सबट्रैक्ट नहीं होते। जब रूट में नंबर सेम आएगा तभी वो ऐड सबट्रैक्ट हो सकते हैं, बट जब रूट में नंबर सेम नहीं होता ना तो भी वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ध्यान रखना, जब रूट में नंबर सेम नहीं होता तो मल्टीप्लाई तो हो जाते हैं लेकिन ऐड सबट्रैक्ट नहीं होते। इस चीज़ का बहुत खास तौर से ध्यान रखना है। देखो, अब रैशनलाइजेशन होता क्या है, हमें कुछ नंबर दे देंगे, जैसे 1/√5 दे दिया, 1/2/√3 दे दिया, तो हमें रूट हटाना होता है, डिनोमिनेटर से रूट हटाना होता है। तुम्हें देखो, जब सिर्फ रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन देते डायरेक्ट ही पता लग जाएगा भाई रैशनलाइज करना है। करते क्या हम रैशनलाइज डिनोमिनेटर को करते हैं, ठीक है, न्यूमिनेटर को नहीं करते, जरूरत भी नहीं पड़ती। क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं करके दे तो भी हमें ध्यान रखना है कि हमें डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइज करना है। वो क्या होता है, करते कैसे हैं वो देखते हैं। तीन टाइप के बेसिक क्वेश्चन आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। भाई तुम्हें ऊपर तो कुछ भी दे देंगे डिनोमिनेटर के अंदर और नीचे रूट में सिर्फ एक नंबर देंगे, कुछ भी दे देंगे, ठीक है। पहला, दूसरा क्या होता है, ऊपर कुछ भी दे देंगे नीचे दो नंबर दे देंगे, रूट ए प्लस रूट बी। तीसरा क्या होता है, ऊपर कुछ भी नंबर दे देंगे नीचे तीन नंबर दे देंगे, रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी। ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला होता है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी कुछ स्कूल्स में पूछ लिया जाता है, सारे स्कूल्स में नहीं पूछते, ठीक है। तो हम लोग चलो यहां से स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन ही करते हैं। देखो क्वेश्चन रैशनलाइज करने में, हमें रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं 1/√2। हमें करना क्या होता है भाई, ये जो डिनोमिनेटर में रूट है ना इसको हटाना है, न्यूमिनेटर में तो कुछ भी आया हमें उससे फर्क ही नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर में रूट है उसको हटाना है। तो देखो क्या करते हैं, जब तुम्हें नीचे सिंगल टर्म दे रखी हो ना तो उसी टर्म को दोबारा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। रूट टू है ना, मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो रूट टू से करते हैं। रूट टू, अब देखो 1/√2 कितना होता है, सिर्फ रूट टू, रूट टू रूट टू कितना होता है 2। भाई ये कैसा है, हमने पढ़ा था रूट एक्स इंटू रूट एक्स कितना होता है x, तो रूट टू कितना हो गया 2। डिनोमिनेटर से रूट हट गया क्या, हमें ये करना था। नेक्स्ट देखो 5/√3/√5। ध्यान रखना हमें न्यूमिनेटर से मतलब नहीं है, कुछ भी दे रखो देने दो, हमें तो डिनोमिनेटर से मतलब होता है। डिनोमिनेटर में क्या दे रखा, √5, जो डिनोमिनेटर में है ना ऊपर नीचे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या √5 ऊपर नीचे किससे, √5 है, √5 कितना हो गया 5/√3/√5, कितना होगा हमारे पास 5/√15/√5 कितना होगा भाई, √x कितना, x ही तो होता है, तो √5 कितना होगा 5 हमारे पास कट गया, तो आंसर क्या आ गया √15, ये आंसर है। थर्ड देखो, वापस से बोल रहा हूँ, न्यूमरेटर में कुछ भी दे रखो जरूरत नहीं है ज़्यादा दिमाग लगाने की, सिर्फ डिनोमिनेटर में दिमाग लगाना। √3 दे रखा है, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को √3 से, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर में तो √3 डायरेक्टली हमारे पास कितना हो गया 3 हो गया। अब जब ये मल्टीप्लाई होगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से होगा भाई, √3 को दोनों से करेंगे, दोनों से करते हैं। √3 को जब √2 से करेंगे तो क्या आंसर आएगा √6। −√3 और √3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, −3। ये 3 और 3 काट मत देना, बीच में माइनस का साइन है, मल्टीप्लाई नहीं है, गलती होती है, बच्चे 3 और 3 काट देते, गलत है, यही आंसर है। √3 को √2 से करा √6 आ गया, √3 को −√3 से करा −3 आ गया। डिनोमिनेटर में क्या √7, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई, न्यूमिनेटर से मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर से मतलब है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे √7 से। नीचे अब हमारे पास देखो क्या आएगा, डिनोमिनेटर में √7 × √7 आ गया 2+5√2 × √7, वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई। √2 को जब √7 से करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2√7, और 5√2 को जब √7 से करेंगे क्या आएगा +5√14, ये आंसर है। इस पे एक क्वेश्चन और देख लो लास्ट, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है, बट समझ लेना, समझ आ जाएगा। 5/√2, जब तुम्हें 3√2 दे दिया ना, अभी तक हम लोग क्या सीख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर में गिवन है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। तो उस हिसाब से तो क्या करना चाहिए, 5/√2 को मल्टीप्लाई करना चाहिए 3√2/√2 से, ठीक है। तो अब जब 3√2 मल्टीप्लाई होगा तो नीचे तो क्या आ जाएगा
एक तरह 3√2 का स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर 5 × 3√2 अपने पास कितना आ जाएगा 15√2। अब हम देखते हैं भाई 3√2 का स्क्वायर का हम लोगों ने ओपन करना सीख लिया कैसे, 3 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर कितना होता है 9, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, हम लोगों ने पढ़ा था, तो कितना आ गया 15√2 / 9 × 2 = 18। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है ना तो ये कट सकता है, ये 5 आ गया 3 से काट रहे हैं, ये 6 आ गया, तो आंसर कितना आ गया 5√2/6। इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और करते हैं, इसी क्वेश्चन को कर रहे हैं दोबारा से 5/3√2। देखो हमारा मोटिव क्या होता है वो देखना, हमारा मोटिव ये होता है हमेशा भाई कि हमें ना नीचे से रूट हटाना होता है, अगर हम इसको 3√2 से भी मल्टीप्लाई नहीं करते, सिर्फ √2 से √2 से भी कर देते तो भी हट जाता क्या 2। देखो आंसर क्या आएगा 5 × √2 कितना होगा 5√2, 3√2 × √2 तो √2 कितना हो जाएगा 2, तो 3 × 2 5√2/6। अभी भी आंसर हमारे पास सेम ही आ रहा है, तो बस थोड़ा सा ध्यान रख लेना, वैसे तो अगर तुम 3√2 से भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आंसर में तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट थोड़ा सा हम लोग टाइम बचाने के लिए सिर्फ √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, और मोटिव हमारा ये है भाई हमें डिनोमिनेटर से रूट हटाना है, ऊपर तो न्यूमरेटर में तो कुछ भी आता रहे, ठीक है, तो ध्यान रखना जब नीचे 3√2 दे रखा हो, 5√7 दे रखा हो, तो सिर्फ रूट वाले से मल्टीप्लाई कर देना, तो 5√2/6। बाकी अगर तुम सेम से भी मल्टीप्लाई कर दोगे ना कि ऊपर नीचे 3√2/3√2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो भी आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो इस क्वेश्चन में डाउट आते हैं ना, वो डाउट बहुत बहुत नॉर्मल सा डाउट है, हर स्टूडेंट को आता है, सर यार ये √2 मल्टीप्लाई करते थे तो कट जाने चाहिए, बिल्कुल ये कट रहे हैं जब इस पूरे क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ रहा, ये कट रहे हैं जब ही इस पूरे क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ रहा, ये चीज का ध्यान रखना। बट हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, सो दैट ए डिनोमिनेटर से हमारे पास रूट हट जाए, इसीलिए हम रैशनलाइज करते हैं, डिनोमिनेटर में हमें रूट नहीं चाहिए होता, ऊपर तो आने तो जो आ रहा है, ठीक है, हर क्वेश्चन में कट सकता है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें काटना नहीं है, हम ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, काट ही दोगे तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही क्या थी, वैसे लिख रहे देते नंबर भी उतने मिलते, कितने 0, ठीक है ना, ध्यान रखना है इस चीज का, जो डिनोमिनेटर में गिवन है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना सही करना है तुम्हें। ये कब हम फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, जब सिंगल नंबर है नीचे डिनोमिनेटर के, जब हमारे पास सिंगल नंबर है, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सेकंड केस हमारे पास क्या है कि हमें पी और अपॉन में क्या दे रखा होगा √a + √b या √a - √b भी दे सकता है, मतलब दो नंबर दे रखे होंगे बेसिकली, जरूरी नहीं है दोनों रूट में, हो सकता है एक नॉर्मल भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चलो एग्जाम्पल करते ना समझ आ जाएगा। देखो अब ध्यान से सोचना, ध्यान से समझना, किससे मल्टीप्लाई करें ये रूट हट जाए, उसमें तो क्या था भाई सिंगल एक ही था हमारे पास, उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, अब जब नीचे दो होंगे ना तो अभी भी मल्टीप्लाई तो इस पूरे को ही करना है ऊपर नीचे, लेकिन करना क्या है इसका साइन चेंज, जो यहाँ साइन दे रखा उसको साइन चेंज करना, कैसे √3 + √2 / √3 + √2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब देखो 1 तो ऊपर नॉर्मल मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से और √2 से, तो ऊपर तो कितना देगा √3 + √2, और नीचे देखो ये a - b और a + b बन रहा है, a - b और a + b हमारे पास क्या होता है a - b a + b हमारे पास होता है a² - b², तो √3 - √2 × √3 + √2 क्या होगा a² - b², ये हमारे पास बन रहा है a - b, ये हमारे पास बन रहा है a + b, और ये हमारे पास क्या होगा a² - b². तो हमेशा जब भी डिनोमिनेटर में कुछ होगा ना दो टर्म्स होगी तो हमेशा ये a² - b² बनेगा, ठीक है। अब देखो आंसर क्या आ गया हमारे पास, ऊपर वाला एज इट इज √3 + √2 / √3 ² कितना होगा 3, -√2 का स्क्वायर कितना होगा 2, तो आंसर कितना आ गया √3 + √2/1, क्लियर। और देखो हमेशा ही जब दो नंबर दे रखो हमेशा a - b a + b बनेगा या a + b a - b बनेगा, अगर नहीं बन रहा ना तो तुमने साइन कुछ गलत लगाया या फिर डिजिट कुछ गलत थी। देखो एग्जांपल और देखते हैं अपन, इसको रैशनलाइज करना है, क्या करेंगे भाई, दो डिजिट दी हुई है,
दोनों रूट में हो ऐसा नेसेसरी नहीं है, एक भी रूट में हो तो भी उसको रैशनलाइज करना होता है। करेंगे क्या, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे जो डिनोमिनेटर में है, बस साइन चेंज कर देंगे। जैसे मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 3 + √8 / 3 + √8। ऊपर से क्या होगा, 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 5 × 3 कितना हो जाएगा 15 प्लस 5 × √8 कितना होगा 5 √8 अपॉन। देखो ये a - b a + b बन रहा है, a - b a + b तो क्या होगा, a² 3 का स्क्वायर माइनस b² √8 का स्क्वायर, तो 15 प्लस 5 √8 अपॉन 3 का स्क्वायर कितना 9, 8 का स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर कितना होता है 8, क्योंकि हम जानते हैं भाई रूट एक्स का स्क्वायर हमारे पास कहता है एक्स ही होता है, ठीक है। तो हमारे पास 15 प्लस 5 √8 अपॉन 1 ये आ गया, 9 - 8 = 1 होता है, तो ये आंसर है। और एग्जांपल देखो वापस से, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे वो बताओ, डिनोमिनेटर के अंदर जो है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, बस बीच वाला साइन चेंज करना है। तो 2√5 + √3 / 2√5 + √3 डिनोमिनेटर में तो अभी भी a - b a + b है, तो a² - b² ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा 2√3 को जब 2√5 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा, 2 को 2 से 4, रूट वाले मल्टीप्लाई 4√15 प्लस 2√3 को हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम क्या जानते हैं √3 √3 तो 3 हो जाएगा। तो देखो ये करना है 2√3 × √3 ये तो करना है। अब ये हम क्या जानते हैं भाई, ये कितना लगेगा 3 हो जाएगा हमारे पास। तो देखो हमारे पास क्या गया 4√15 प्लस का 2 × 3 अपॉन स्क्वायर करते हैं 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 4√15 प्लस 6 अपॉन 4 × 5 = 20 माइनस 3 कितना आ गया 4√15 प्लस 6 अपॉन 17 ये आंसर हो गया। पहली गलती जो बच्चे अक्सर कर देते हैं वो जैसे √2 √2 काट दे, √3 √3 काट दे, बेटा बीजों प्लस और माइनस है कटेगा नहीं, ध्यान रखना। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर देखना है, सेम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, बस बीच वाला साइन चेंज होगा। देखो साइन चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई बाय √2 + √3 / √2 + √3 अभी भी डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बनेगा भाई, a - b a + b है, कोई a² - b² तो √2 - √3 / 2। अब ऊपर क्या होगा, देखो अब दो तरीके हैं भाई, ये √2 + √3 है, इसको हम √2 + √3 / 2 भी लिख सकते हैं पहली चीज़। दूसरी क्या है भाई, √2 को दोनों से मल्टीप्लाई नॉर्मल करते हैं भाई, √2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो √2 × √2 कितना 2 प्लस √2 × √3 कितना √6। नेक्स्ट क्या है, √3 को भी दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 × √2 √6 √3 × √3 = 3 तो हमारे पास 2 + 3 तो कितना आ गया 5। रूट में नंबर सेम है तो ऐड हो सकते हैं, तो कितना होगा हमारे पास 2√6 अपॉन √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3। हमारे पास क्या आएगा 5 + √6 / -1। गलती मत कर देना, नीचे हमारे पास -1 आएगा, +1 नहीं आएगा। अब देखो होता क्या है, ध्यान रखना हमेशा, ऑल्दो ये चीज़ हम जानते हैं कि माइनस कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहता, हमेशा ऊपर जाता है, तो जब ऊपर जाता है ना तो ऊपर सबके साइन चेंज करता है। ये देखो ऊपर कैसे जाता है, यहाँ बाहर आएगा माइनस और ब्रैकेट में आएगा 5 + √6 / 1 माइनस अंदर मल्टीप्लाई माइनस का 5 - √6 / 1 ये देखो। अब या तो ये स्टेप दिखाओ, ये स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं भाई, माइनस ऊपर ले जाओ और दोनों के साइन चेंज कर दो। अभी प्लस का 5 है तो माइनस का 5 हो जाएगा, अभी हमारा प्लस का 2√6 है तो माइनस का 2√6 हो जाएगा, क्लियर है। चलो आज इतना ही करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भेज दिए जाएंगे तुम्हें, और अच्छे से करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वापस से बता रहे हैं। थैंक यू।